South Korea statistics rankings news views interviews education news politics showbiz only on SNB News. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएनबी न्यूज़ की तरफ से एम शारिक सईद का सलाम। पिछले प्रोग्रामों की तरह आज भी मेरे साथ डॉक्टर मन्नान सईद मौजूद हैं और हमारी गुफ्तगू जारी है। पिछले कई प्रोग्रामों में आप मेरे साथ डॉक्टर मन्नान सईद को देख चुके हैं और इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं इनकी इल्म में, इनके नॉलेज में, जो इनकी एजुकेशन से लेके पढ़ाने तक जो अभी सिलसिला जारी है वो इन्होंने हमसे शेयर की, यानी कि हमारे व्यूवर से शेयर की। सो मैं चाहूँगा कि जनाब आज भी हम कुछ तो इनसे बात करें इन मुख्तलिफ मौजूआत पे, जो जिसमें एजुकेशन भी शामिल होगी साउथ कोरिया के हवाले से और साउथ कोरिया के बाहर से जो लोग पढ़ने आते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। मन्नान सईद साहब, एक दफ़ा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। कैसा रहा आपका मतलब सिलसिला? मैं तो यही कहूँगा पिछले आपने प्रोग्राम देखे, व्यूवर्स ने मुझे पसंद किया, आपके पास कुछ राय आई? काफ़ी अच्छा फीडबैक आया, सो आई होप कि इसका गुड इम्पैक्ट हो बाकी लोगों पे जो सुन रहे हैं। जी जी जी। और उनको डायरेक्शन अच्छी मिल सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मतलब आपसे मैं बात शुरू करते हुए एक बार शुक्रिया अदा करूँगा कि आप एजुकेशन से मुंसलिक हैं और आप क्लासें भी लेनी होती हैं, लेकिन एक आप पाकिस्तान के लिए कह लें या एक इंफॉर्मेशन में आपसे गुजारिश करता हूँ और आप टाइम निकालते हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, हम सिलसिले को उसी तरह कड़ियों को जोड़ते हैं, पिछले हमने कई प्रोग्राम किए हैं आपके साथ और आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, अपने वक्त की एजुकेशन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में बताया जो आपके टाइम में एजुकेशन ले रहे थे आपके साथ, उससे पहले वालों के बारे में बताया और स्टिल आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जैसे और भी पाकिस्तानी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर। सो डॉक्टर साहब, ये तो अब आपने बताया कि अब तो आपको माशाल्लाह आदत सी हो गई है या लाइफ का एक हिस्सा बन गया है कि ऑनलाइन क्लासें लेनी है और कैसे पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए इसी गुफ्तगू के हवाले से, आपका जो एजुकेशन का वक्त था उस वक्त जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के स्टूडेंट साउथ कोरिया में आपके साथ पढ़ रहे थे, उस वक्त की तादाद में या वो जो चंद ममालिक थे जो कोरिया की तरफ रुख किया उन्होंने आपकी तरह एजुकेशन लेने के लिए, और आपने जब से 10-11 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो इस तादाद में इजाफा हुआ है, कम हुए या ममालिक का इजाफा हुआ है कोरिया की तरफ एजुकेशन हासिल करने के लिए? देखिए, पहले जो ममालिक इधर आ रहे थे या जिन कंट्री से स्टूडेंट्स आते थे उनमें ज़्यादातर वो कंट्रीज थी जो मतलब जिनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अमेरिका जा सकें या इस तरह यूरोप की तरफ जा सकें, लेकिन अब मैंने ये नोटिस किया है कि यूरोपियन कंट्री से और अमेरिका से और कनाडा इस तरह से एक्सचेंज स्टूडेंट्स अब बहुत ज़्यादा कोरिया में हैं। उनकी पॉलिसीज में जो यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज हैं उसमें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का बहुत उनको एक्सचेंज स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट एक बहुत बहुत उन्होंने इस तरफ बहुत ज़्यादा सोचा है एंड इससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट जो है वो QS रैंकिंग में भी इनका है। SKKU जो संकिम कौन यूनिवर्सिटी है वो 150 के करीब थी रैंकिंग में, तो आप 87 तक आई है, 50% आप हो गई, 50% 40-50% आप हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि QS रैंकिंग के अंदर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का की इनटेक और उनका बहुत ज़्यादा एक फैक्टर काम करता है। तो अगर मैं पाकिस्तान के लिए सोचूं और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को एडवाइस दूं तो यही है कि आप एक्सचेंज स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान दें ताकि
स्टूडेंट्स हैं कोरिया की तरह. अब लास्ट 15 ईयर्स मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स हो गए कोरिया में. तो जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स का इनटेक था वो काफ़ी काफ़ी ड्रामेटिकली ऊपर आया. तो काफ़ी उससे इम्पैक्ट अच्छा आता है. यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट होती है, मैं जैसे कह लूँ उसमें डीन हो गया या प्रेसिडेंट हो गया यूनिवर्सिटी का, वो जो आपके वक्त में जैसे ठीक है आपने तो एक कोरिया के इदारे से पढ़ा है छल्ला दो खान जो के जी से आपने जो मौजूदा जिस्ट है, इस तरह आपके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट के अंडर अम्ब्रेला हैं, तो वो जो उनकी मैनेजमेंट थी या वो प्रोफेसर थे सीनियर्स, वो जो प्रोफेसर्स की डील थी फॉरनर स्टूडेंट से, आई मीन डील से मुराद मेरी बात एजुकेशन देना या उनके ऊपर लैब में टाइम दिलवाना, तो वो भी कुछ नरम हुए हैं जब फॉरनर्स बहुत बढ़ गया और उन्होंने देखा कि जी बैन अवी तरीका कार थोड़ा सा आसान है या रिलैक्स होकर एजुकेशन देना है, या ये अपने उसी ट्रैक पर चल रहे हैं? देखिए कल्चर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, इनका ट्रैक वही है, इनकी चीज़ें उसी तरह हैं, वही चल रही हैं इनका. अगर आप पीछे देखें ना अबाउट 500 ईयर्स बैक से हिस्ट्री की मूल्यांकन करें, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो ये कि जो उस्ताद है वो बहुत उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है कोरिया में. इवन ये कि आपको पता है कल्चर के अंदर यहाँ पर सजदा किया जाता है और 16 और 64 और इस तरह उस पर उस्ताद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. इवन आपकी जो है अगर एक स्टूडेंट उसकी शादी हो रही है तो उसकी पेरेंट्स से ज़्यादा उसको लैब का जो प्रोफेसर है वो जाके उसको मतलब उसके लिए वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा. तो वो तो कल्चर में तो है, कल्चर अब इतनी आसानी से कल्चर चेंज नहीं होता. अभी भी उस्ताद उसी तरह ही हैं और प्रोफेसर उसी तरह ही हैं. तो यानी कि जो कल्चर कोरिया का हम कहते हैं बड़ा सख्त सख्त जुमला ठीक नहीं होगा, यानी कि उसको फॉलोवर्स जुमला ठीक ही होगा. अच्छा अच्छा फॉलोवर्स हैं अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वो टीचर या प्रोफेसर से मुराद जो आपकी उस्ताद से मुराद वही है, तो वो भी अपने कल्चर से नहीं हटते हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमारे स्टूडेंट हैं आप इसको फॉलो करें. हाँ वो उसी तरह ही है, और वो लैंग्वेज का इशू है और लैंग्वेज के अलावा और इस तरह के कल्चरल इशूज हैं. और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट इवन ऑल फॉरनर स्टूडेंट्स जो भी आ रहा अपनी कंट्री से, वो ही और शी हैज़ टू कीप दिस इन माइंड कि यहाँ पे कल्चर एक डिफरेंट है. आप यूएस चले जाएँ, यूएस में आप प्रोफेसर आपके साथ बैठ के काम कर लेगा, आपको माइंड नहीं करेगा, आप उसके साथ जाके कॉफ़ी पी लें, उसके साथ कोई लॉट ड्रिंक ले लें, कोई मसला नहीं. यहाँ पे इवन मतलब हमारे कल्चर में तो उस तरह नहीं है, हम बीना मुस्लिम हम उस तरह नहीं पीते जी जी. लेकिन अगर कोरिया को देखा जाए तो उस्ताद के आगे आप पी नहीं सकते जी. मतलब वो मतलब पानी के अलावा पानी भी नहीं सकते आप, वो पानी पीते मुंह पे हाथ रख के. एग्जैक्टली मैंने देखा बिल्कुल सही. और अगर उस्ताद ने आपके उसमें यानी कि मैनर्स से बिल्कुल हट कर, तो यहाँ पे कल्चर में ये है कि आप उस्ताद को अपने नंगे पाँव नहीं दिखा सकते. हमारी बड़ी हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही है, तो ऐसी चीजें भी हमारी इल्म में लाई है. हमारे नए जो ओवरसीज में बैठे हुए लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, दूसरे ममालिक में, ताकि उन्हें पता लगे कि यहाँ कैसी कैसी कल्चर है यहाँ के. तो यहाँ कल्चर में यही है कि आप उस्ताद जितनी इज्जत देते हैं उतनी इज्जत आपको मिलती है. जी जी सिंपल इक्वेशन. तो यहाँ पे उस्ताद के लिए और प्रोफेसर के लिए उस्ताद से मेरा मतलब है फ्रॉम द प्री स्कूल टू अब हायर एजुकेशन तक. लेकिन अगर आप इन पर्टिकुलर अगर आप हायर एजुकेशन प्रोफेसर्स को देखें तो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है. आपकी बात मैं इस जगह में वाकई मुझे पुरानी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं. मेरा यूके के अंदर इंग्लैंड में कुछ कोरियन से मुलाकात होती थी स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ 2004-5-6 की, तो कहने लगे कि जी एजुकेशन, मैंने कहा जी ओवरसीज एजुकेशन भी ले रहे हैं आपके मुल्क के अंदर, आप इधर हैं और ये वो बर्मिंगम में या लंदन में या मॉन्चेस्टर वगैरह में. सो वो बड़े हैरान से कहते अच्छा वहाँ पे ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही. तो यानी कि उनकी बिगनिंग एजुकेशन यहाँ से हुई थी, तो उन्हें अपने सिस्टम का पता है कि गैर मुल्की कैसे समा गया है वहाँ पे, कैसे प्रॉब्लम आएगा. और कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उस पर. बहुत मैंने ये जुमला बहुत दफ़ा बोला है अपने पिछले प्रोग्राम से भी बोला है कि कोरिया का और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कल्चर बहुत डिफरेंट है जी, जी. और हायर एजुकेशन में इवन ऑल स्टेप्स ऑफ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड जो अच्छी बात है वो ये कि इस कल्चर के साथ दे आर थ्राइविंग. मतलब
अगर हम उस कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स को देखें और सारा कुछ, तो एक लगता है जैसे ये आगे चल ही नहीं सकते। अच्छा, तो लेकिन स्टिल दे आर थ्राइविंग और दे आर डूइंग वेरी गुड। और अगेन वही कि अपने कल्चर से आप ज़्यादा स्टिक रहेंगे और उसको सब उसको फॉलो करेंगे तो बाकी भी आपको वो करेंगे, आपको आपके साथ चलेंगे। तो डॉक्टर साहब वही बात हो गई, आपने एजुकेशन ली, एजुकेशन दे रहे हैं, तो फिर गालिब का वही मिसरा हो गया कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, यानी कि वो मुश्किल मुश्किल नहीं लगती, वरना मुश्किलें थी वो? नहीं, मुश्किलें इनिशियली तो बहुत ज़्यादा थी। मैं जब आया था जस्ट में आया था तो आई रिमेंबर कि पहली दफ़ा मैं रोबोटिक्स में, मैंने मतलब मैकेट्रॉनिक्स था मेरा EME कॉलेज से, तो मेरी रोबोटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे जब पाकिस्तान से मैं आ रहा था तो मेरा एडमिशन हुआ था जिस लैब में इमेज प्रोसेसिंग पे काम होता था। अब जब मैं पहुँचा हूँ तो आने से पहले मुझे सारे कहते थे कोई मसला नहीं है, वहाँ जाकर प्रोफेसर चेंज कर लेना। अच्छा, मेरे जहन में ये था प्रोफेसर चेंज हो जाएगा, और जनरली पाकिस्तान से जो भी आता है वो यही दिमाग में लेके आता है, इवन आदमी अच्छे प्रोफेसर चेंज कर लेंगे। ठीक, कोरिया में प्रोफेसर चेंज करने का मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप चेंज कर रहे हैं। मतलब मैं बोलने वाला था, मैंने नोट लिया, वो जुमला आपके मुंह से निकला तो सही निकला होगा, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ आके पता चलता है ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो बच्चा सौतेले माँ बाप के पास चला जाएगा, सौतेले माँ बाप के पास, तो वो नहीं हो, ये काम यहाँ हो ही नहीं सकता। और अगर जो करता है वो कितना बुरा समझा जाता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसने अपना प्रोफेसर बदल लिया, अपनी एप्लीकेशन दी या रिक्वेस्ट प्रोफेसर चेंज कर लिया, प्रोफेसर चेंज करने की एप्लीकेशन दी। और सिर्फ ये प्लेयर जो है ये HSC स्टूडेंट्स के लिए है कि इनको जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं कुछ आते हैं तो एक नॉर्म्स होते हैं, एक कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, एक वैसे एक माहौल होता है, आपने उसको वो फॉलो करना होता है। ठीक, मतलब मैं अगर मैं किसी जगह पर जाता हूँ और वहाँ पर कोई जैसे मैं क्योंकि मैं नास्ट में जाता हूँ तो नास्ट में जाके मैंने बोर्ड पे पढ़ाना है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अब मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ वहाँ पे मुझे वीडियो बना के दें, तो एक नॉर्म है ना उसका, एक ये नास्ट किसी और तरीके से चल रही है और ओपन यूनिवर्सिटी किसी और तरीके से चल रही है, तो हर जगह का एक नॉर्म होता है। तो यहाँ पे कोरिया का जो अनस्पोकन नॉर्म है वो यही है कि आप अपना प्रोफेसर नहीं चेंज कर सकते। अब पाकिस्तानी, मैं इन पर्टिकुलर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जब वो आते हैं तो उनके जहन में भी यही होता है, जैसे मुझे भी मेरे दोस्तों ने कहा, मेरे सीनियर्स ने कहा कि कोई मसला नहीं है, वहाँ जाके चेंज कर लेना, यहाँ आके पता चलता है दिस यू कैन नॉट डू दैट। ओके, तो जब मैं लैब ज्वाइन की, इमेज प्रोसेसिंग में काम शुरू किया तो आई हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रेश। ओके, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। और इट्स नॉट अ न्यू थिंग, आप USA चले जाएँ, आप कनाडा चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, वहाँ पे भी अक्सर ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, एक्सेप्ट कि आप नहीं काम कर सकते तो आप अपना प्रोफेसर चेंज कर सकते हैं, या आपने एक पर्टिकुलर काम उसमें फील्ड में काम नहीं करना तो इफ़ यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी आप जा सकते हैं। कोरिया में ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाती है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होते, चेंज हो भी जाते हैं, प्रोफेसर कर भी लेते हैं, आराम से चल भी जाता है, काम हो भी जाता है, लोगों ने किए भी हैं। HSC वाले स्टूडेंट्स तो उनके साथ ये है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है तो वो हो चल जाते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। डॉक्टर साहब, और मैं, मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं HSC के जो जिन्होंने प्रोफेसर चेंज किया, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है जो प्रोफेसर चेंज करना चाहते थे, लेकिन सारे तरफ एक मतलब सारी बातों की एक सिर्फ बॉटम लाइन ये है कि प्रोफेसर चेंज करना कोरिया में एक बुरी बात, मायूब समझा जाता है। तो उस मायूब बात को अवॉइड किया जा सकता है और थोड़ा सा सबर करके, टफ टाइम मतलब देखकर। तो कुछ प्रोफेसर हर जगह ये होता है, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे। तो डॉक्टर साहब फिर वही बात आ गई जो ज्यादातर किसी भी कंट्री के प्रोफेसर कहता हूँ मैं तो, कोई भी अलिफ बे एक करते हैं तो उस कंट्री पे भी फर्क पड़ता होगा कि या उस यूनिवर्सिटी के अंदर की इस मुल्क के स्टूडेंट तो प्रोफेसर ही बदलते रहते हैं। लेकिन ये खाली पाकिस्तानी स्टूडेंट से बात नहीं है, मैंने जनरल बात की आपसे, मैंने जनरल कहा क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, हम HSC पे बात करते रहे और वो, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, नहीं तो ये जनरली सबके साथ है। जो अमेरिकन स्टूडेंट्स आते हैं वो तो कल्चर के जितने ज्यादा शॉक होते हैं वो तो आते ही फॉरन चेंज करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सभी को सब करते हैं और सब इसमें बराबर बीमारी का शिकार है। लेकिन मतलब अपने नाज़रीन के लिए है जो देख रहे हैं उनको कि मैं क्योंकि HSC और पिछली उसमें HSC पे बात बहुत की है, हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर की है और ख़ुद मैं पाकिस्तानी,
प्रोफेसर, मैं उसी चीज़ से गुजरा हूँ, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि हम लोग क्या करते हैं और हम लोगों को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अब कोई इंडियन करता है, कोई बांग्लादेशी करता है, कोई यूरोपियन करता है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बजा आपने फरमाया। बाज औकात बात सख्त होती है, कड़वी होती है, लेकिन वो फायदेमंद होती है, हमदर्द की साफी की तरह। सो तो डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बातों बातों में ये भी बताया प्रोफेसर्स के हवाले से कि जनाब इज्तनाब करें आप प्रोफेसर बदलने से, तो उसको थोड़ा सा हैंडल करेंगे तो कुछ आपको वो समझेगा, कुछ आप उसको समझेंगे और गाड़ी अच्छी चलेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। गो के ये अपने हार्ड काम करा रहे हैं उससे जो भी है लैब के अंदर या जिस तरीके से भी, लेकिन जब एंड के ऊपर जब पीएचडी की डिग्री हाथ में आती है तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, एक्सपीरियंस के हवाले से, वक्त के अंदर पीएचडी आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर। ये चीज़ें तो हैं। तो अगर इसके अलावा डॉक्टर साहब देखिए, आपका ज़्यादातर रबता मैं समझता हूँ, मैंने आपको देखा एजुकेशन, ठीक है आपने बाहर से दूसरे शहर से की कोर्स, सियोल से बाहर आपने हानियांग में पढ़ाया, वो भी सियोल में थी, अब ये आउट ऑफ सोल है लेकिन ये सियोल से टच ही कहूँगा मैं जिसमें आप अभी बैठे हुए। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई मीन सोल अराउंड सियोल में 80-100 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं समझता हूँ छोटी बड़ी मिलाकर, तो वो जो बाहर है तो क्या वो उस जगह भी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी बड़े इदारों को छोड़ के स्काइज जिस टाइप के नहीं, उसमें उधर भी ऐसी कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम हैं लेकिन वो हैं मसाफात में, आई मीन द आउट ऑफ सोल, आउट ऑफ सोल एजुकेशन के हिसाब से भले उनका नाम ना हो। नहीं, यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत अच्छी अच्छी भी हैं, लेकिन कोरिया की देखें 60% पॉपुलेशन जो है ना वो सोल या उसके आसपास अराउंड में है, तो वो उसमें उसी हिसाब से फिर वो फैसिलिटीज़ और एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ एवरीथिंग जो है वो फिर उसी के हिसाब से बढ़ती रहती है। तो सोल में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही आती हैं। जी जी, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में टॉप QS रैंकिंग में टॉप 200-300 में तो आई जाती हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में। तो अगर आप बाहर जाके देखें तो बाहर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स ही हैं, जैसे काइस्ट हो गया, जस्ट हो गया, पोस्टक हो गया, या DGST तो सिर्फ सोल में ही है, मतलब मेन उनका ऑफिस मेन ऑफिस सोल में, जैसे SKQ का मेन ऑफिस सोल में, तो DSO में नहीं है, सोल में ही होगी, तो वो जो मेन ऑफिस है, लेकिन वो क्योंकि मशहूर वहाँ से हुई तो इसलिए उसको आउटसाइडर लिया जाता है। एनी वे, मतलब इनकी यूनिवर्सिटीज जो है सोल में तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, उस हिसाब से उनकी रैंकिंग भी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल ये है कि आप जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनकी रैंकिंग बेहतर है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो मिड लेवल पे आते हैं, टॉप पे नहीं आते। जैसे दरअसल बात, अच्छा आपने जो प्राइवेट बताया है इंस्टीट्यूट कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, जैसे सिजोंग यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी पढ़ते हैं, ये प्राइवेट है, ठीक है जी। इस तरह और दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी हानियांग क्या थी, प्राइवेट, ये भी हानियांग यूनिवर्सिटी भी बड़ा नाम है मैंने देखा, कोंकुक को हम क्या कहेंगे, सेमी गवर्नमेंट है, तो ये मतलब एक अच्छे नाम है कोरियन की नज़र में, तो चाहे साउथ कोरियन एजुकेशन जो ले रहा है स्टूडेंट वो जानता है बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन वो उसमें प्राइवेट भी हैं, लेकिन उनका एक मेयार है तो जिसे उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, उनके स्टूडेंट्स ओवरसीज भी जाते हैं हायर और अच्छी एजुकेशन के लिए, पाकिस्तानी बहुत सारे मैंने देखा है सिजोंग से गए, कैनेडा में हैं, अमेरिका में हैं। तो मुख्तसर यही कहेंगे हम कि जनाब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, एजुकेशन का मेयार इनका 19-20 का ही फर्क होता है यूनिवर्सिटी का, लेकिन एक अच्छा मेयार है। देखिए हायर एजुकेशन में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो ये नहीं करती कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, वो ये मैटर करती है आपने काम क्या किया, आप किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, आपकी पब्लिकेशन क्या हैं, आपने क्या छापा है और किस लेवल में छापा है, कितनी सिग्निफिकेंस में छापा है। तो इट डजेंट मैटर कि आप जो है वो MIT से कर लें, अगर आपने काम नहीं सही किया हुआ तो MIT डजेंट मैटर है। ओके, तो MIT से भी लोग जो है वो पैसे दे के अपनी डिग्री ले लेते हैं, मतलब सेल्फ फाइनेंस पे। जी जी, तो मतलब नटशेल में ये है कि जी हायर एजुकेशन की जब बात होती है इट्स लिटिल बिट डिफरेंट देन कन्वेंस जो बाकी आपने एजुकेशन ली,
अंडर ग्रेड पे डिग्री का काम होता है, टॉप यूनिवर्सिटी है, अगर एम आई टी से अंडर ग्रेड करते हैं, नर्स से अंडर ग्रेड करते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में आता है जी, जी। लेकिन अगर आप पी एच डी कर रहे हैं और आपकी मिड लेवल यूनिवर्सिटी भी है तो अगेन आपने काम क्या किया है जी, जी। काम अच्छा किया है आप तो आपको मतलब फ़ायदा होगा, अगर नहीं आपने काम अच्छा किया तो आप एम आई टी से कर रहे हैं, एम आई टी से आपको सब ये कि आपको एक वो कहते हैं ना स्टार्टअप अच्छा मिल जाएगा जी, जी, जी। लेकिन आप इतना है ही नहीं तो आप थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएंगे।